डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 हम पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम थर्मोरेगुलेशन को तकरीबन ऑलमोस्ट एंड कर चुके हैं। हमने होमियोस्टैटिक रोल ऑफहाइपोथैलेमस तक इसको पढ़ लिया था कि किस तरह जब हमें सर्दी लगती है या बॉडी स्टिमुलस लो टेम्परेचर का होता है तो हाइपोथैलेमस बॉडी में वो मैकेनिज्म स्टार्ट करता है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, जिसमें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, इसके अलावा स्किन की तरफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये चीज़ें शामिल हैं। फिर इसी तरह वार्म्थ में के जब स्टिमुलस आता है तो उसको भी डिटेक्ट कौन करता है? थर्मोरिसेप्टर, वो सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। कूलिंग मैकेनिज्म बॉडी में स्टार्ट होता है स्वेटिंग की फॉर्म के अंदर। तो थर्मोस्टेट बॉडी का हाइपोथैलेमस है, वो किस तरह से काम करता है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक के हवाले से एक टर्म हमारी आखिर में, एक छोटी सी टर्म जो डिस्कस की जाती है और ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी कई बार पूछी गई है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो है पाइरिग्जिया। पाइरिग्जिया या इसको कहा जाता है हाई फीवर, टेम्परेचर इन फीवर। नॉर्मल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो है 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन। नॉर्मली एवरेज हम बोल देते हैं कि ये 36 से 38 के बिटवीन है। अगर किसी भी वजह से ये टेम्परेचर अपर लिमिट जो है 37.8 या 38 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है इसको क्रॉस कर जाता है और एवरेज वैल्यू हम लेते हैं इसमें 37 डिग्री सेल्सियस, अगर बॉडी टेम्परेचर इससे ऊपर चला जाता है तो इस कंडीशन को कहा जाएगा हाई फीवर या इसको कहा जाएगा पाइरिग्जिया। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, अगर टेम्परेचर लोअर लिमिट से कम हो जाता है तो फिर इसको नाम दिया जाएगा हाइपोथर्मिया। ऐसा भी होता है मगर हम ये यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। हाइपो का मीनिंग होता है कम, थर्मिया मीन टेम्परेचर के बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। मगर अगर टेम्परेचर अपर लिमिट से इंक्रीज हो जाता है तो इसको कहा जाएगा हाइपरथर्मिया। हाइपर का मीनिंग होता है ज़्यादा और हाइपो का मीनिंग होता है लेस। तो अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हाइपरथर्मिया। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपरथर्मिया। पाइरिग्जिया हाई फीवर, टेम्परेचर इन फीवर भी कह सकते हैं, या हाइपरथर्मिया। अब ये किस वजह से होता है? दिस इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द बॉडी। बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन दोनों में ये बुखार हो सकता है, फीवर हो सकता है। और इन डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को कहा जाता है पैथोजेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लें कि जब भी कोई फॉरेन एजेंट जो बॉडी का अपना पार्ट ना हो, जैसे ये बैक्टीरिया बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर दाखिल हो, वायरस बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर दाखिल हो और बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज करें, तो ऐसे एजेंट्स को कहा जाता है पैथोजेंस। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया की शक्ल में पैथोजिन बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, ये इंक्रीज हो जाते हैं। और वाइट ब्लड सेल के बढ़ने से वाइट ब्लड सेल खुद या बैक्टीरिया या वायरस जो कि पैथोजिन है वो सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजेंस का मतलब होता है पाइरिग्जिया, यानी कि फीवर कॉजिंग सब्सटेंसेस। ये पायरोजिन हाइपोथैलेमस जो कि थर्मोस्टेट है, हाइपोथैलेमस ये इस थर्मोस्टेट के सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देता है 37 डिग्री सेल्सियस से, जिसकी वजह से
बुखार, फीवर जिसको हम बोलते हैं, या हाइपरथर्मिया के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात बड़ी अच्छी तरह और क्लियरली याद रख लें कि पायरोजेंस क्या होते हैं। पायरोजेंस वो सब्सटेंसेस हैं जो फीवर कॉज करते हैं, जो पायरिक्सिया कॉज करते हैं। फीवर कॉज करने वाले सब्सटेंसेस को कहा जाता है पायरोजेंस, या इनको कहा जाता है पायरिक्सिया, और इनको हाई फीवर या हाइपरथर्मिया भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक के हवाले से आपने याद रखने हैं। नंबर वन, पायरिक्सिया या हाई फीवर किनकी वजह से होता है? पैथोजेंस की वजह से होता है। पैथोजेंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस हो सकते हैं। हर पैथोजेन ऑलमोस्ट जो है वो फीवर कॉज कर सकता है। पैथोजेंस या वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजे में बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, और वाइट ब्लड सेल्स का अदर नेम क्या है इसमें? ल्यूकोसाइट्स इनको कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि वायरस या बैक्टीरिया, यानी कि पैथोजेंस या ल्यूकोसाइट्स, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जिन्हें कहा जाता है पायरोजेंस, इन्हें बोला जाता है। तो पायरिक्सिया कॉजिंग सब्सटेंसेस को क्या कहा जाएगा? पायरोजेंस। ये ना बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम कहते हैं म्यूटेशन कॉज करने वालों को म्यूटाजेंस कहते हैं, कैंसर कॉज करने वालों को कार्सिनोजेंस कहते हैं, डेवलपमेंट की एबनॉर्मेलिटी कॉज करने वालों को टेराटोजेंस कहते हैं, इसी तरह पायरिक्सिया कॉज करने वालों को पायरोजेंस कहते हैं। ये पायरोजेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस जो होगा वो 37 से ऊपर चला जाएगा, और जिस कंडीशन को हम नाम देंगे हाई फीवर या पायरिक्सिया का। अब देखें, इसमें वो दवाइयाँ जो पायरिक्सिया के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाएंगी इनको कहेंगे एंटी पायरेटिक। एंटी पायरेटिक नाम से पता चल रहा है, विच आर अगेंस्ट पायरिक्सिया। तो ये एंटी पायरेटिक्स किन को इनएक्टिवेट करेंगी? दे विल, जो पायरिक्सिया कॉज करने वाले सब्सटेंसेस हैं, दे विल इनएक्टिवेट पायरोजेंस। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं पैरासिटामोल, ये एक एंटी पायरेटिक है। जब पैरासिटामोल यूज़ की जाएगी तो ये किन को इनएक्टिवेट करेगी? पायरोजेंस को इनएक्टिवेट करेगी, और फिर ये सेट पॉइंट जो अबव जा रहा था 37 डिग्री सेल्सियस से वो नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये बुखार को ख़त्म करने, और अगर इसकी पायरोजेंस की कॉज कोई बैक्टीरिया या वायरस है तो ये पायरोजेंस फिर बन जाएंगे। तो इसलिए इनको एलिमिनेट करने के लिए एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा आखिर का टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 15 से, पायरिक्सिया जिसको आप हाई फीवर भी कह सकते हैं, हाइपरथर्मिया भी कह सकते हैं। इसमें टेम्परेचर बॉडी का, जो एवरेज बॉडी का टेम्परेचर है, उससे डिस्प्लेस करके अबव चला जाता है, और उसको अबव जाने की वजह होते हैं ये पायरोजेंस, जो कि ल्यूकोसाइट से भी सिक्रीट होते हैं, और बैक्टीरिया या वायरल पैथोजेंस वो भी इनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 15 के जो तमाम टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मूव करेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसमें एक बात आप याद रख लें कि हमारे जो बोर्ड का पैटर्न है पेपर का, उसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, मगर हमारी एक्सरसाइज में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो हम उनको कर लेंगे, क्योंकि समटाइम फिल इन द ब्लैंक को ही ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है किसी एमसीक्यू के सवाल में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखनी है, ताकि उसमें हम एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर वन क्वेश्चन है, डैश इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कॉन्टेंट्स। फ्लूइड कॉन्टेंट्स को रेगुलेट करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं बॉडी के अंदर पानी, फ्लूइड, सॉल्ट्स, इनको रेगुलेट करने की एबिलिटी को कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? ऑस्मोरेगुलेशन। होमियोस्टेसिस के तीन पैरामीटर्स,
थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में से फ्लूइड कंटेंट्स को रेगुलेट करने की एबिलिटी को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। नंबर टू क्वेश्चन पर आते हैं। द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया टू डैश रिक्वायर द प्रीकर्सर ऑफ ऑर्निथिन। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ब्लैंक में द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यूरिया साइकिल में अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया लेस टॉक्सिक है। अमोनिया के यूरिया में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चाहिए उसे ऑर्निथिन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ब्लैंक में आएगा यूरिया। नंबर थ्री, फिल इन द ब्लैंक। नंबर थ्री, इन किडनी नेफ्रॉन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद नेटवर्क ऑफ कैपेलरीज। नेफ्रॉन्स आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेटवर्क ऑफ कैपेलरीज। तो नेफ्रॉन के गिर्द बहुत सारी कैपेलरीज होती हैं जिसमें हमने पढ़ी हुई हैं, पेरिटिब्यूलर कैपेलरीज, वाजा रेक्टा, ग्लोमेरुलस, एफरेंट एफरेंट आर्टेरियोल्स, ये सारी। तो यहाँ पर आएगा कैपेलरीज। डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक नंबर फोर है। इन इंसेक्ट्स सॉल्ट एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन। तो इंसेक्ट्स से मुराद यहाँ पर कॉकरोच की जो हमने एक्सक्रीशन पढ़ी, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें हमने देखा था कि मालपीजियन टिब्यूल्स फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती हैं, उसके बाद वो आ जाता है हाइंड गट में, और हाइंड गट से जो ज़रूरी वाटर और सॉल्ट्स हैं उनकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक नंबर फोर में हम आंसर कर सकते हैं हाइंड गट, जो कि खुराक की नाली का आखिरी हिस्सा है। और खुराक की नाली का आखिरी हिस्सा, जहाँ से जो हाइंड गट का जो पार्ट स्पेसिफिकली रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट में इन्वॉल्व हो सकता है, इसको कहा जाता है रेक्टम। तो रेक्टम कर देंगे तो भी ठीक होगा, हाइंड गट कर देंगे तो भी ठीक होगा, बिकॉज रेक्टम जो है ये पार्ट है हाइंड गट का। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है फाइव। द एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन डैश टू प्रमोट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वर्टिब्रेट नेफ्रॉन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH जिसको कहते हैं, ये कौन से पार्ट पर नेफ्रॉन के एक्ट करता है? तो इस ब्लैंक में आएंगे कलेक्टिंग डक्ट्स। ADH एक्ट्स ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ADH नेफ्रॉन के कौन से पार्ट पर एक्ट करता है? कलेक्टिंग डक्ट पर। और वहाँ पर इसका फंक्शन क्या है? एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक नंबर सिक्स में। द नेफ्रॉन अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला विद ट्यूब्यूलर सिस्टम लूपिंग डीप इन द इनर मेडुला आर कॉल्ड डैश नेफ्रॉन। तो इस MCQs में डियर स्टूडेंट्स, उन नेफ्रॉन का जिक्र किया गया है जो कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर पाए जाते हैं, और जिनका जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है वो डीप इनटू मेडुला होता है। इनको हम नाम देंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। दीज नेफ्रॉन्स विल बी कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इनको कहा जाएगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिल इन द ब्लैंक नंबर सेवन में आते हैं। द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव किडनी स्टोन इज टर्म्ड एज। नॉन सर्जिकल वे टू रिमूव द किडनी स्टोन, इसको कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। नॉन सर्जिकल तरीका जिसमें किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है, इसको कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। और इसमें अल्ट्रासोनिक रेज, अल्ट्रासाउंड जिन्हें कहते हैं, और एक्स रेज को यूज़ किया जाता है। इससे गॉल ब्लैडर के स्टोन, यूरेटर के, किडनी के स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक नंबर एट है। डैश इज़ द होमियोस्टेटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग का जो होमियोस्टेटिक थर्मोस्टेट है उसका क्या नाम है? तो होमियोस्टेटिक थर्मोस्टेट ह्यूमन बॉडी में ये फोर ब्रेन का पार्ट है, और इसका एग्जैक्ट नेम है हाइपोथैलेमस। अगर आप इसको फोर ब्रेन कह देंगे तो भी ठीक है, मगर उसमें ज़्यादा प्रिसाइसली उसका क्या नाम है?
हाइपोथैलेमस उसका नाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स का हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके आंसर्स एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। फिल इन द ब्लैंक नंबर वन का आंसर है ऑस्मोरेगुलेशन, टू का आंसर है यूरिया, थ्री का आंसर होगा कैपिलरीज, फोर का आंसर है हाइंडगट, हाइंडगट की जगह आप रेक्टम भी लिख सकते हैं, फाइव का आंसर होगा कलेक्टिंग डक्ट्स, सिक्स का आंसर होगा जिक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, सेवन का आंसर है लिथोट्रिप्सी और एट का आंसर है हाइपोथैलेमस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो है MCQs का। तो अब हम MCQs के हवाले से आंसर्स को डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। पहले MCQs का पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इज डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं इसमें ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, होमियोस्टेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ी थी। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इज द डेफिनेशन ऑफ होमियोस्टेसिस। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, जो कि है होमियोस्टेसिस। एमसीक्यू नंबर वन का आंसर है होमियोस्टेसिस। नंबर टू क्वेश्चन है द कैटेगरी ऑफ द प्लांट डेट हैज एडेप्टेड ऑफ स्मॉल थिक लीव्स टू लिमिट द लॉस ऑफ वाटर। ऑप्शंस हैं इसकी हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके पत्ते थिक होते हैं और जिनका सरफेस एरिया कम होता है, टू लिमिट द लॉस ऑफ वाटर, ताकि उनसे कम से कम वाटर लॉस हो, ये इंक्लूडेड होते हैं जीरोफाइट्स में। तो एमसीक्यू नंबर टू का आंसर होगा जीरोफाइट्स। एमसीक्यू नंबर टू का आंसर होगा जीरोफाइट। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक नंबर थ्री पर। द एनवायरनमेंट वेयर एनिमल्स प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। वो एनवायरनमेंट जिसमें एनिमल्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हों। ऑप्शन है इसकी हाइपोटोनिक एक्वेटिक, हाइपरटोनिक एक्वेटिक, आइसोटोनिक एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो इसका आंसर होगा डाइल्यूट एनवायरनमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटोनिक, जिसमें सॉल्ट्स की मिकदार कम और पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसको आप फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, डाइल्यूट एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं। इसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर डेट इज कंट्रीब्यूटिंग मेनली इन एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्ट इन प्लांट। तो इसकी ऑप्शन है स्टेम है, लीव्स हैं, रूट है, फ्लावर्स है। तो एक्सक्रीटोफोर इनमें से किन को कहा जाता है? लीव्स को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर फोर का आंसर होगा एक्सक्रीटोफोर्स। एक्सक्रीटोफोर कहेंगे लीव्स को। तो इसकी जो आंसर की ऑप्शन होगी वो होंगे लीव्स, ऑटम लीव्स या लीव्स को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर फाइव पर। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डेट रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन एज कंपेयर टू अदर्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन एंड अमोनिया। ये चारों ही डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजिनस वेस्ट के नाम लिखे हुए हैं। इस एमसीक्यू नंबर फाइव का आंसर होगा यूरिक एसिड। उसकी वजह यह है कि एक ग्राम नाइट्रोजन अगर अमोनिया की फॉर्म में एलिमिनेट करना हो तो 500 ml पानी चाहिए होता है, यूरिया की फॉर्म में एक ग्राम नाइट्रोजन एलिमिनेट करना हो तो 50 ml पानी चाहिए होता है, और यूरिक एसिड के एक ग्राम नाइट्रोजन के लिए सिर्फ 1 ml पानी चाहिए होता है।
तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डेट रिक्वायर मिनिमम वाटर वो कौन सी होगी? यूरिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पर। द ग्रुप ऑफ एनिमल हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विद न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट। वो एनिमल्स का कौन सा ग्रुप है जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके न्यूट्रिटिव कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है? तो ये एक ही ग्रुप है एनिमल्स का जो कि इंसेक्ट्स का ग्रुप है, जिसकी एग्जांपल में कॉकरोच आता है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? इंसेक्ट्स का। आर्थ्रोपोड किंगडम क्लास होगी इंसेक्ट्स की, और एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कॉकरोच, ग्रास ऊपर को इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डेट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचाता है, डियर स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है यूरीटर। एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर होगा यूरीटर। तो और वो स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर पास करता है इसको कहते हैं यूरिथ्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन बनती है सी, यूरीटर। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है, द मेटाबॉलिक वेस्ट डेट आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव्ड। ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो बॉडी में इंजेस्ट होते हैं और इनको बॉडी से रिमूव होना है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, फूड एडिटिव्स हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। फिल इन द ब्लैंक नंबर 8 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों कैटेगरीज जो हैं, ड्रग्स भी इंजेस्ट करते हैं बट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, पेस्टिसाइड भी इंजेस्ट हो सकते हैं मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इसी तरह फूड एडिटिव जो फूड को एक स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं, फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं, एरोमा खुशबू प्रोवाइड करते हैं, ये फूड एडिटिव दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर, तो हमने वो बताना है जो एंडोथर्म नहीं है। तो इसका 9 क्वेश्चन का आंसर है एम्फीबियंस। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं एक बार। पहले नंबर पर इसमें है बर्ड्स, बर्ड्स तो एंडोथर्म होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी एंडोथर्म्स होते हैं, मैमल्स भी एंडोथर्म्स होते हैं। एंडोथर्म्स डियर स्टूडेंट्स वो एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को इंटरनल मेटाबॉलिक हीट के ज़रिए एक स्पेसिफिक रेंज के दरमियान मेंटेन रखते हैं। वो आउटसाइड हीट गेन लॉस करते तो हैं मगर उससे उनके बॉडी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन पे। तो एम्फीबियंस ये एक्टोथर्म्स में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं ये, तो यहाँ पर एंडोथर्म्स जो नहीं है वो एम्फीबियंस हैं। लास्ट एमसीक्यू नंबर 10 है, नेम द टाइप ऑफ एडेप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल, नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वो होती है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से हीट एनर्जी पैदा होती है, इसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एमसीक्यू नंबर 10 का आंसर होगा फिजियोलॉजिकल, क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना एक फिजियोलॉजी है, एक फंक्शन है बॉडी का, तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के मैं एक दफ़ा फिर आंसर्स रिपीट कर देता हूँ। एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर है होमियोस्टेसिस, 2 का आंसर है ज़ीरोफाइट्स, 3 का आंसर है हाइपोटोनिक, 4 का आंसर है लीव्स, 5 का आंसर है यूरिक एसिड, 6 का आंसर होगा इंसेक्ट्स, 7 में यूरीटर, 8 में ऑल ऑफ दीज, और 9 में एम्फीबियंस, और 10 होगा फिजियोलॉजिकल। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का तीसरा हिस्सा है शॉर्ट क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको शुरू में बताया बोर्ड में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं आती, बट वो भी हमने इसलिए कर ली कि फिल इन दी ब्लैंक को ही चेंज किया जा सकता है MCQ के सवाल के अंदर, उसकी जस्ट ऑप्शंस उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स दी शॉर्ट आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन
ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी आप कोई डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करते हैं तो आप उसको कॉलम्स की फॉर्म के अंदर अटैम्प्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट ये दोनों टर्म्स हैं, मैनी टाइम्स बोर्ड के क्वेश्चंस में ये पूछे जाए गए सवालात हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, हम एक दफ़ा इसमें आपने इनकी डेफिनेशन ही लिखनी है। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन को आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं करते, दे कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स आइसोटोनिक इवन फॉर द मेरीन सॉल्टी वाटर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, ये दे डू नॉट एक्टिवली एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन। ऑस्मोटिक कंडीशन से मुराद है कि सॉल्ट पानी को अपनी बॉडी में एडजस्ट नहीं करते, आउटसाइड एनवायरनमेंट में जितना सॉल्ट वाटर होगा उतना ही इनसाइड में होगा। इनकी एग्जाम्पल में आप इनवर्टिब्रेट्स लिखेंगे और वर्टिब्रेट्स में से हैगफिश की एग्जाम्पल लिखेंगे। दूसरी जो टर्म है ऑस्मो रेगुलेटर, वो एनिमल जो एक्टिवली अपनी इंटरनल कंडीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को डिफर करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी कि अपने वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, इनको हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स का। और इसकी एग्जाम्पल में आप वर्टिब्रेट्स के बारे में लिख देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन हो गया डिफरेंशिएशन, इसमें जो आपने चीज़ याद रखनी है कॉलम में दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है और एक एक एग्जांपल ज़रूर साथ मेंशन करनी है। व्हाट इज़ एनहाइड्रोबायोसिस, गिव एन एग्जांपल। तो एनहाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। एनहाइड्रोबायोसिस का मतलब होता है एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल जितने भी बड़े एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैं, इनमें पानी की कमी को, डिहाइड्रेशन को बियर करने की एबिलिटी को कहा जाता है एनहाइड्रोबायोसिस। हम बुक की एग्जांपल ही इसमें लिखते हैं, जो बुक में एग्जांपल दी हुई है कैंगरू रैट, आप इसकी एग्जांपल। अब इस तरह के क्वेश्चन में देखें, एक मार्क्स आपको मिलता है डेफिनेशन का और एक मार्क्स आपको मिलता है एग्जाम्पल का। तो एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस, और इसकी एग्जांपल में आप कैंगरू रैट की एग्जांपल लिखेंगे। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज फिल्ट्रेशन टेक प्लेस एट ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई ग्लोमेरुलस का प्लूरल है। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, एक हो तो ज़्यादा हो तो ग्लोमेरुलाई। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नो वेयर एल्स। तो इसमें पूछा गया है कि फिल्ट्रेशन का अमल ग्लोमेरुलस पर ही क्यों होता है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं होता। तो इसकी दो तीन रीजंस हो सकती हैं, हम सारी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें इस तरह से, ये जो कप शेप पार्ट है इसको हम नाम देते हैं बोमेन्स कैप्सूल का, और इसमें ये जो सेल्स पाए जाते हैं एपिथीलियल सेल्स हैं ये, इनको हम नाम देंगे पोडोसाइट्स का, और इनके दरमियान खाली जगह जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं, उनमें ब्लड है, ब्लड आ रहा है एफेरेंट आर्टेरियोल्स के ज़रिए और ब्लड यहाँ से लीव कर रहा है एफेरेंट आर्टेरियोल्स के ज़रिए। तो इसमें तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, इसकी वजह ये है के एपिथीलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल हैज़ वाइड इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये सेल्स जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं, पोडोसाइट्स, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होने की एक वजह यह है कि इन पोडोसाइट्स, इन एपिथीलियल सेल्स जो कि बोमेन कैप्सूल के एपिथीलियल सेल्स हैं, के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा वाइड हैं, जिसकी वजह से मटीरियल्स यहाँ से मूव करके इजीली ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल में जा सकते हैं। तो हाईली पोरस वॉल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल या वाइड इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द पोडोसाइट्स, ये इसकी नंबर वन रीज़न हो सकती है। उसके बाद नंबर टू पर इसमें हम कहेंगे देयर इज़ अ हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में
ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह ये बनता है जो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं इनका डायामीटर ज़्यादा है और इफरेंट आर्टेरियोल्स का डायामीटर कम है। तो जब ब्लड ज़्यादा ब्लड आएगा और वो ब्लड किस में इकट्ठा हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट आर्टेरियोल से स्लो आगे जाएगा, तो ब्लड के ग्लोमेरुलस में इकट्ठे होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो देयर इज़ हाई राइज इन ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल के एपिथीलियल सेल जिनको पोडोसाइट्स कहते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस का वाइड होना, ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का अमल यहाँ पर होता है, बाकी जगहों पर ये वाली चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो हाई ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस विच इज़ बिकॉज द डायामीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स इज ग्रेटर देन द डायामीटर ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल, सो ब्लड विल एक्यूमुलेट इन द ग्लोमेरुलस जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ये ज़्यादा ब्लड का प्रेशर मटीरियल्स को फोर्स करेगा कि वो कैपिलरीज की दीवारों से गुजर कर बाहर चले जाएँ। और फिर दूसरा, वाइड इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द एपिथीलियल सेल ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल, ये दो मेन इसकी रीजंस हैं, वाइड इंटरसेलुलर स्पेसेस। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मेंशन टू मेटाबॉलिक ऑल्टर्ड स्टेट्स जेट जनरली 70% कॉज किडनी स्टोन फॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट, 70% ऑफ किडनी स्टोन्स जो हैं वो बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सेलेट के। 70% इंसिडेंस किडनी स्टोन्स का है कैल्शियम ऑक्सेलेट का। अब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है और ऑक्सेलेट का लेवल बढ़ता है। अब बुक के मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़े तो इसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, और ऑक्सेलेट्स का लेवल बढ़े तो इसको हम कहते हैं हाइपर ऑक्सेल्यूरिया। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, हाइपर कैल्सीमिया, जाहिर है जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा, ये एक ऑल्टर्ड मेटाबॉलिक कंडीशन है जो कैल्शियम ऑक्सेलेट के स्टोन बनाने का बाइस बनेगी, और आम तौर पे ये हॉर्मोन्स की वेरिएशन की वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो सकता है। हाइपर ऑक्सेल्यूरिया, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोमेटोज़ के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ऑक्सेलेट ब्लड में ज़्यादा होते हैं। बट स्पेसिफिकली इस टर्म का, हाइपर ऑक्सेल्यूरिया का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ ऑक्सेलेट्स इन यूरिन, बट डेफिनेटली पहले वो ऑक्सेलेट ब्लड में बढ़ते हैं फिर वहाँ से फिल्टर होकर यूरिन में आते हैं। तो ये दो मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं जो कि कैल्शियम ऑक्सेलेट के स्टोन्स का बाइस बनते हैं, जिनका इंसिडेंस बाकी स्टोन्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है और जो कि 70% है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज़ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, रीनल फेलियर का मतलब ये है कि जब किडनी के तमाम नेफ्रॉन्स जो हैं वो अपना काम करना छोड़ दें, तो अपना फंक्शन फिल्ट्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ भी कहते हैं इसको, और इसको यूरीमिया भी कहते हैं। और इसमें आप जब शॉर्ट क्वेश्चन में आप आंसर देंगे तो इसमें आप दो चीज़ें इसकी रीजंस में लिखेंगे कि किडनी फेलियर की में जो नेफ्रॉन का मेनली पार्ट डैमेज होता है, एक तो वो ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, कि रीनल फेलियर में किडनी का कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट डैमेज होता है, ग्लोमेरुलर पार्ट डैमेज होता है। और ग्लोमेरुलर पार्ट क्यों डैमेज होता है? ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कॉजेस, पैथोलॉजी की वजह से, एंड ड्यू टू सम केमिकल कॉजेस, कोई ड्रग अब्यूज़, कोई केमिकल कॉज हो सकती है इसकी या कोई पैथोलॉजिकल कॉज इसकी हो सकती है। तो रीनल फेलियर में ये पॉइंट्स आपने ज़रूर मेंशन करने हैं। और रीनल फेलियर का नतीजा क्या निकलता है कि ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है और एनीमिया होना शुरू हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी कमी होना शुरू हो जाती है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, अकाउंट वन ईच मेन अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू हाई एंड लो टेम्परेचर। प्लांट्स के लिए हाई और लो टेम्परेचर की एक एक अडेप्टेशन लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर की अडेप्टेशंस में तो आएगा
क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बहुत हाई टेम्परेचर पे प्लांट अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं ताकि वेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर कम से कम हो जाए, और दूसरा मेकिंग ऑफ हीट शॉक प्रोटीन, ये हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं ताकि एंजाइम्स को डीनेचर होने से बचाया जा सके। इसके बाद जो लो टेम्परेचर की अडेप्टेशन है, लो टेम्परेचर, इसमें ये अपनी सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को, जो कि सॉलिडिफाई होने वाले होते हैं, जमने वाले होते हैं, ये चेंज कर लेते हैं अनसेचुरेटेड में। तो हाई टेम्परेचर की दो मेन अडेप्टेशंस क्या हैं, स्टोमेटा को क्लोज करना ताकि ट्रांसपायरेशन इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर कम हो और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन डेसिकेशन डेवलप ना हो, दूसरा एंजाइम को डीनेचर होने से बचाने के लिए ये हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं जो एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डीनेचरेशन। लो टेम्परेचर में ये अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसेचुरेटेड में चेंज कर लेते हैं, और दूसरा सुपर कूल साइटोप्लाज्म, ये अपने साइटोप्लाज्म को सुपर कूल कर लेते हैं, उसमें कुछ सर्टन सब्सटेंसेस को रिटेन करके, जिससे उनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस बचते हैं। इस चैप्टर के मेन लॉन्ग क्वेश्चंस में एक्सक्रीशन इन प्लांट का टॉपिक शामिल है, मुख्तलिफ एनिमल्स में से प्लेनेरिया और अर्थवॉर्म कॉकरोच तीनों इंपॉर्टेंट हैं, फंक्शंस ऑफ लिवर का टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फंक्शन, किडनी के प्रॉब्लम्स में किडनी स्टोन उसका क्योर, रीनल फेलियर उसका क्योर, डायलिसिस वगैरह, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स में, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की अडेप्टेशन स्पेसिफिकली, और बाकी जो थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स का लास्ट टॉपिक है वो जो चार्ट वाला, ये सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, ये हम थ्योरी के हवाले से पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए यूनिक नोट के सारे एमसीक्यू सॉल्व करें एक एक बार, उसके बाद जो यूनिक नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी सॉल्व करें, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस हम लेक्चर के साथ साथ डिस्कस करते रहे हैं, और उनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं ख़ासतौर पर जिनको बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ टैग किया गया है कि ये प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स में भी आ चुके हैं, वो भी आप इसमें करें। तो एक एक एमसीक्यू सॉल्व करें नोट्स का, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।